दोस्तों आज की रेसिपी में मैं बताने जा रही हूँ पोहे की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी। तो एक कढ़ाई में पैन में हम तेल गरम करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और अब जो पीनट्स हैं हम उसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से भुन जाने के बाद में, फ्राई होने के बाद में हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब इसी तेल में मस्टर्ड सीड्स हम डालेंगे, लगभग आधा टीस्पून, और आधा चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है वो हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो हमने पहले काट के रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक बारीक काट के। और अब मैंने दोस्तों एक बड़ा ऑनियन लिया था जिसका आधा टुकड़ा चॉप किया हुआ मैं अभी इसमें डालूंगी, और आधा गार्निशिंग के लिए रख दिया है मैंने। तो ये चॉप किए हुए ऑनियन, बारीक किए हुए चॉप्ड ऑनियन है, ये इन्हें डाल देंगे। इन्हें सोटे करेंगे, थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, और फिर उसके बाद में आधा ही टमाटर मैंने इसमें डाला है, आधा मैंने गार्निशिंग के लिए बाद में। कच्चा टमाटर और प्याज बहुत अच्छा लगता है दोस्तों पोहे में, इसलिए आप भी ऐसा करें कि आधा फ्राई करते टाइम पे और आधा गार्निशिंग के लिए रख दें। तो इन्हें अच्छे से मैंने सोटे कर लिया है, और गल जाने के बाद में लगभग 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं होता है, हरी मिर्च काफ़ी होती है। अब जो भुना हुआ जीरा है आधा टीस्पून के लगभग मैंने इसमें डाला है। भुने हुए जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। और अब जो पोहा मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है, वॉश करने के लिए 10-15 मिनट पहले ही आप इनको वॉश करके रख दें ताकि जो जितना भी पानी होता है वो सब अलग हो जाए। और इससे क्या होता है, खिले खिले बनते हैं फिर पोहे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अब गैस की फ्लेम को 2 से 3 मिनट बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और अब जो नींबू है लगभग 1 चम्मच के लगभग हम नींबू इसमें डाल देंगे, आधा टीस्पून या जितना भी आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। और अब इसमें भुना हुआ जो पीनट्स हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ, और जो गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज अलग से रखा हुआ तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, कच्चा प्याज। और कच्चा जो टमाटर है वो भी टुकड़ा, बारीक टुकड़ा किया हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अंत में दोस्तों गार्निशिंग के लिए जो हरा धनिया है वो हम इसमें बारीक किया हुआ वो ऐड कर देंगे। पोहे तैयार है दोस्तों। ये बहुत ही हल्के और सुपाच्य होते हैं, और साथ ही इनमें तेल का उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए गुणकारी भी हैं, स्वास्थ्यकारी हैं। नाश्ते में हल्के होते हैं इसलिए आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं इन्हें, ये इतना आसान होता है बनाने में। इन्हें गरम गरम सर्व कीजिए।